एवरीवन, हेलो, कैसे हैं आप सब। अभी बज रहा है शाम के 5:30 और मैं आई हूँ टेरेस पे, क्योंकि मैं टेरेस पे इवनिंग में वॉक करती हूँ। कम से कम 7 बजे तक मैं यहाँ पे वॉक करती हूँ, 1.5 घंटे तक। अभी स्किपिंग कर लेती हूँ, कभी वॉकिंग ही कर लेती हूँ, ऐसा कर लेती हूँ, क्योंकि मैं मॉर्निंग में नहीं कर पाती, तो इसीलिए मैं इवनिंग में कर लेती हूँ। सो आज हमारा व्लॉग हम इवनिंग से स्टार्ट करते हैं, और टेरेस से बहुत अच्छा मौसम हो रखा है, बारिश भी होने वाली, हल्की हल्की बूंदाबांदी तो अभी चल रही है। मैं अपने प्रिकॉशंस के साथ आती हूँ, सैनिटाइजर भी ले आती हूँ, मास्क भी, बट कोई होता नहीं है। आप देख सकते हैं पूरा खाली टेरेस। तो चलिए मैं वॉकिंग कर लेती हूँ फटाफट, और उसके बाद मैं मिलती हूँ आपसे जब मैं घर जाऊँगी उस वक्त। अभी मैं आ चुकी हूँ वॉकिंग करके, अभी बज रहा है 7:15, और अब मैं पीऊंगी अपनी चाय। चाय पीने के बाद मैं बनाऊंगी सांभर इडली, तो उसकी रेसिपी भी मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले हम इडली की तैयारी करेंगे। तो इडली के लिए मैंने लिया था रात में 5 कटोरी चावल और 2.5 कटोरी उड़द की दाल धुली हुई। ये दोनों को मैंने मिक्स करके भिगो दिया था, और सुबह उठ के अभी इसको पीस लिया है। तो ये ऐसा बैटर रेडी हो चुका है, लेकिन अभी ये पूरा रेडी नहीं है, इसको फर्मेंट करेंगे। उसके पहले मैं इसमें डालूंगी 1 टीस्पून बेकिंग सोडा, इसको ज़्यादा नहीं डालना है, अच्छे से मिक्स करना है, और मिक्स करके इसको ढक के रख देना है, और फिर इसकी इडली बनेगी शाम में। अब आते हैं सांभर की तरफ। सांभर बनाने के लिए मैंने ली है 2 कटोरी अरहर की दाल, और उसमें मैं डालूंगी थोड़ी सी लौकी, और 1 आलू मैंने बारीक बारीक काट के रख दिया था, तो इसमें मैं ये दोनों डाल दूंगी। साथ में 1 टमाटर भी इसमें मैं डालूंगी, 1 टमाटर इसमें डालूंगी, 1 फ्राई करने में डालूंगी, और इसमें मैं डालूंगी थोड़ी सी हल्दी, स्वाद अनुसार नमक, और थोड़ा सा जीरा पाउडर। ये सब डाल के मैं इसमें पानी डाल के इसको 3 सीटी होने के लिए रख दूंगी। तो जब इसकी 3 सीटी हो जाएगी, तो फिर ये दाल हो जाएगी रेडी, सब सब्जियाँ इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी। अब हम फ्राई करने के लिए मैंने लिया है 1 बड़ा प्याज, 2 ड्रमस्टिक को काट लिया है, कड़ी पत्ता, सूखी मिर्च, और ये इमली मैंने भिगो दी थी 2 घंटे पहले। तो अब मैं डालूँगी कढ़ाई में तेल, और जब तेल गरम हो जाए तो इसमें डालूंगी हींग, थोड़ी सी राई, थोड़ी सी मेथी, मेथी सीड डालना है, और थोड़ा सा जीरा। और जब ये सब अच्छे से ब्राउन हो जाए, अच्छे से पक जाए, तब मैं इसमें डालूंगी प्याज। अब वो अच्छे से पक चुका है, अब इसमें डालेंगे प्याज और कढ़ी पत्ता, और ये जो सूखी मिर्च मैंने निकाल के रखी थी, ये सूखी मिर्च भी मैं अब डाल दूंगी इसमें, और अब इन सबको अच्छे से मिक्स करके सॉटे कर लूँगी। तेल मैंने थोड़ा कम ही डाला है, क्योंकि मैं कम तेल ही डालती हूँ सब्जियों में। और अब डाल दिए मैंने ड्रमस्टिक। तो एक बार दिखाती हूँ, ये देखिए, ये है मसाला जो बुरा है, और इसमें मैं डालूंगी ये टमाटर, क्योंकि प्याज लाल हो गए। अभी देख जाओ, ये इमली जो भिगाई थी, इसका पानी ऐसे, इसको इमली को निकाल लेना है अलग से, क्योंकि इसमें सिर्फ गूदा और पानी ही जाएगा। तो ये काम मैंने दिया था इनको करने के लिए, क्योंकि सांभर पतला ही होता है, पतला ही रहता है, इसलिए इसमें पानी डालने की बजाय मैं ये ऐड कर देती हूँ इमली का पानी। ये पूरा निकाल के इसका ये अलग निकाल लेते हैं, सीड्स और कचरा जो भी होता है इसमें, थोड़ा कड़ा होता है, कहीं कुछ होता है, तो वो सब अलग करके इसका पानी निकाल लेते हैं, और इस पानी को मैं फिर छान के उसमें डाल देती हूँ। और इसको अच्छे से ऐसा इसमें मिक्स करके, और फिर पानी को मैं इसमें छान दूंगी। पानी दे दो। बच्चा को बीच में आके ऐसे इसका काम चालू रहता है, कुछ करता रहता है। अब मैं क्या करूंगी, ये जो दाल है, ये अपना इमली का पानी इसी में डाल दूंगी, ताकि ये अच्छे से
मिक्स हो जाए और इसमें एक्स्ट्रा पानी ऐड करने की जरूरत ही ना पड़े। तो इसमें एक्स्ट्रा पानी ऐड करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, साथ ही साथ इसका टेस्ट, जो दाल का टेस्ट है, वो दुगना हो जाएगा इमली के पानी से। बहुत टेस्टी, और ये बिल्कुल बाहर वाला जो आप सांभर खाते हो ना, मुझे तो एक्चुअली होटल के सांभर से भी ज्यादा अच्छा घर वाला ही लगता है। आप लोगों को पता नहीं कौन सा अच्छा लगता है, पर मुझे तो यही वाला ज्यादा पसंद आता है। मुझे तो इवन होटल के जो होते हैं सांभर, वो बिल्कुल पसंद नहीं आते। एक्चुअली सांभर मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, इडली सांभर। तो अब इसमें डालूंगी मैं, आपको मसाले बताती हूँ मैं, क्योंकि नमक में दाल में डाल चुकी थी, तो मैं इसमें डालूंगी थोड़ी सी कस्तूरी मेथी, इससे इसका टेस्ट अच्छा हो जाता है। और इसमें मैं डालूंगी, ये जो मसाला डाला है उसके हिसाब से नमक डालूंगी, ज्यादा नहीं डालूंगी, थोड़ा सा, क्योंकि दाल में ऑलरेडी नमक डाल चुके हैं, तो चखने के बाद फिर देखेंगे कि और डालना है या नहीं। सब्जी भी डाल चुके हैं, अब सिर्फ मिर्च पाउडर, मिर्च भी इसमें मैंने 4 मिर्च खड़ी मिर्च डाली है, तो इसलिए मैं ज्यादा मिर्च पाउडर नहीं डालूंगी, सिर्फ 1.5 चम्मच मिर्च पाउडर डालूंगी। क्या खोल दो ना बच्चा, मम्मा कुछ कर रही है, मम्मा कुछ करने का डैडी को। तो अब ये टमाटर पक चुके हैं, टमाटर हो चुके हैं, अब मैं इसमें डाल दूंगी ये दाल, और इसमें जो सांभर मसाला है वो मैं डाल दूंगी लास्ट में, तो मैं लास्ट में डालूंगी सांभर मसाला। इमली के पानी से इसका कलर भी बहुत अच्छा हो जाता है, सांभर का एक्चुअल कलर आ जाता है। और अभी मैं इसमें थोड़ा सा गर्म पानी डाल दूंगी, क्योंकि ये थोड़ा सा गाढ़ा हो रखा है, तो सांभर एक्चुअली पतला भी होता है। सांभर मसाला, ये है मद्रास सांभर मसाला 777 का, मैं इसी को यूज करती हूँ, ये बहुत अच्छा बहुत टेस्टी सांभर इससे बनता है, और मैं तो यही वाला यूज करती हूँ। आप लोग जो यूज करते हैं, आप लोग आप वो यूज कर सकते हैं। तो इसको मैं डालूंगी लास्ट में, जब इसमें एक बॉईल आ जाएगा उसके बाद। सांभर क्या बन रहा है? सांभर काम करने लग गया भाई, अब ये हो चुका है बॉईल, देखिए बॉईल हो रहा है। अब मैं इसमें डालूंगी सांभर मसाला, जो बहुत मेन इंग्रेडिएंट है इसका। तो इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून डाला है, मैं इसमें डालूंगी 2 टेबलस्पून सांभर पाउडर, सांभर मसाला। इसका टेस्ट इतना यम्मी है ये सांभर मसाला का, एक बार जब से इसको खाया है तब से बस मैं यही बुलवाती हूँ 777 और यही वाला यूज करती हूँ, क्योंकि इससे बहुत ही सांभर एकदम यम्मी यम्मी लगता है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तक ये बॉईल हो रहा है, इसको बॉईल होने देंगे, तब तक मैं निकाल लूंगी, इसको भी गर्म करना है। क्योंकि जब दूध आता है तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं थोड़ी देर तक उसको छोड़ दूँ वैसे ही वॉश करके रैपर, और उसके बाद थोड़ी देर बाद मैं उसको निकालूं। ये भी गर्म होगा साथ में, नहीं तो अलग इसके लिए मुझे टाइम देना पड़ेगा, नहीं तो अलग से फिर इसके लिए मुझे बैठे रहना पड़ेगा, नहीं तो ये गिर जाएगा। तो सांभर तो रेडी हो चुका है, अब बनेगी इडली। लेकिन इडली मैं बनाऊंगी जब ये खाने बैठेंगे उस वक्त चढ़ाऊंगी, तो 5 मिनट में तो इडली बन जाएगी, तो उनको गर्म गर्म मिलेगी। इसको कर दूंगी बंद क्योंकि अब ये हो चुका है। अब अभिषेक को खाना खाना है, तो मैं बना रही हूँ इडली, तो उसके लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ। इडली के सांचे में लगा लिया तेल, और देखिए कितना फ्लफी बैटर हो चुका है। अब ये बैटर को डालूँगी सांचे में और उसको रखूँगी। फिर पानी यहाँ पहले ही मैंने प्री बॉयल के लिए रख दिया था इडली मेकर में, और अब ये हो चुका है, पानी भी बॉयल हो रहा है, सांभर भी रेडी हो चुका है। अब डल रही है इडली, और इडली बन जाएगी 5 से 7 मिनट में। इसको जैसे ही मैं रख दूंगी, उसके बाद 5 मिनट बाद मैं गैस को एकदम सिम कर दूंगी, और उसके बाद फिर बन जाएगी 7 मिनट में इडली। अब इसको ढक्कन लगा के छोड़ दूंगी 7 मिनट के लिए, और अब ये बन चुकी है इडली। देखिए कितनी सॉफ्ट और कितनी स्पंजी इडली बनी है। तो ऐसे ही बैटर आप लोग रेडी कीजिएगा जब आप इडली बनाए तो, और खाइए यमी यमी इडली। सो गाइस, अब मैं हो चुकी हूँ फ्री, अब मेरे सारे काम हो चुके हैं, 10:30 पौने 11 हो रहा है, खाना भी हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, क्लीनिंग हो चुका है। अब मैं आई हूँ अपने रूम में, अब मैं करूँगी AC ऑन और फिर करूँगी आराम, बहुत थक गई हूँ। सो ये ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं, और फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। से पगलू वाले मम्मा के चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू दे दो।
monkeys move around. Look here.